यदि आपको कहा जाए कि अब से आपको मिट्टी से बने हुए एक ऐसे घर में रहना पड़ेगा जिसमें ना तो पंखा होगा, ना ही एसी और ना ही होंगे किसी भी तरह के एक्सपेंसिव होम अप्लायंस, सो व्हाट डू यू थिंक, क्या आप रहना चाहोगे ऐसे घर में? आई नो, मुझे मालूम है आपका जवाब होने वाला है बिल्कुल नहीं। भाई आजकल के इस डिजिटल टाइम में कौन रहना चाहेगा ऐसे घर में। लेकिन मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे ही घर के बारे में, यानी हरी और आशा के ऐसे घर के बारे में जो है इको फ्रेंडली घर। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू हरी एंड आशा एनर्जी एफिशिएंसी एंड इको फ्रेंडली हाउस। हरी एंड आशा दोनों के दोनों नेचर फ्रेंडली थे और इसी वजह से इन दोनों ने शादी करी और शादी के बाद इन्होंने बीड़ा उठाया कि ये एक ऐसे घर में रहेंगे जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगा और मदर नेचर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और हाँ, इस घर में एक भी बिजली का बल्ब नहीं है। इस घर को इस तरह से डिजाइन करा हुआ है कि सूर्य का प्रकाश अपने आप चारों तरफ से घर के अंदर आता जाता रहता है। इस घर में सोलर पैनल लगाए हुए हैं और आपको बता दें कि इस घर में बिजली का एक महीने में सिर्फ और सिर्फ 4 यूनिट ही खर्च होता है। ओ माय गॉड, जस्ट थिंक इट, एक महीने में सिर्फ 4 यूनिट। किसी बड़े शहर में 4 यूनिट तो एक दिन में खर्च हो जाता है। हरी और आशा का ये इको फ्रेंडली घर बना हुआ है 960 एकड़ में, जो कि शानदार और आलीशान घर है। जी हाँ, 50,000 रुपए इसको बनाने में लगे थे और 2,50,000 रुपए मजदूरों ने लिए थे। और आपको बता दें, ये घर पूरा का पूरा इतना आलीशान जो दिख रहा है, ये सिर्फ 4,00,000 रुपए में बनकर तैयार हुआ है। 4,00,000 रुपए, यस, किसी बड़े शहर का एक कमरा बनने में ही 4,00,000 रुपए लग जाते हैं। ये पूरा का पूरा घर, वो भी 960 एकड़ में बनकर तैयार हो गया। ये घर देखने में पुराने ख्यालातों जैसा जरूर लगेगा, लेकिन आपको बता देते हैं कि इस घर में सारे आधुनिक उपकरण भी लगाए गए हैं। कंप्यूटर, टेलीफोन और टेलीविजन जैसी सारे आधुनिक उपकरण इस घर में मौजूद हैं। यस, खाना बनाने के लिए इस घर में बायोगैस का यूज करा जाता है और उससे निकलने वाले फर्टिलाइज को यूज करा जाता है फार्मिंग के लिए। वाओ, इसे कहते हैं नेचर को नुकसान करे बिना ही उसको सही यूज करना। इस घर में फ्रिज नहीं है, लेकिन खाने को प्रिजर्व रखने के लिए ये एक मिट्टी में अंडरग्राउंड घड़े का यूज करते हैं। इन्होंने अपने घर के अंदर दबाया है मिट्टी में एक घड़ा और उसके चारों तरफ रखी है रेत, और समय समय पर ये उस रेत को गीला करते रहते हैं ताकि मॉइस्चर बना रहे और घड़े के अंदर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक बन जाता है, जिसके अंदर खाने के समान फल सब्जियों को पूरे 10 दिन तक प्रिजर्व रखा जा सकता है। वाओ, है ना कमाल की बात। आजकल हम जितने भी आधुनिक होते जा रहे हैं, लेकिन ये जो तरकीब है मदर नेचर के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। यस, यही तो है हरी और आशा का सपनों का घर, जिसको वो हमेशा से ही बनाना चाहते थे। एनर्जी एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली हाउस, केरल के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ ये घर केरल का सबसे पहला ऐसा घर बना जो इको फ्रेंडली घर है। सो नाउ जस्ट टेल मी, यदि आपको कहा जाए कि आपको इसी तरह के किसी घर में रहना पड़ेगा, तो अब आपका जवाब क्या होने वाला है? आई नो, आपका जवाब होने वाला है यस। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब अस।